मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? ऐसा है, मेरी कठिनाई है कि पहले तो पैसे थे ही नहीं जब बटुआ रखने की जरूरत पड़े, तो बटुआ रखते तो बटुआ में रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। पहली बार जब एमएलए बना, मिनिस्टर बना गुजरात में, तो गवर्नमेंट का पैसा आने लगा, उसके पहले तो कुछ कमाई धमाई की। ये 2001 की बात कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद बैंक खाता खुला, बैंक खाते में पैसे आने लगे, पीएम बना तो आए। अभी हर महीना जो डेली मेरा खर्च होता है उतना मैं उठाता हूँ, और वो भी हमारा स्टाफ जो होता है उसको दे देता हूँ, देख लेना भाई दाल सब्जी में कुछ पैसे देना पड़ता है तो दे देना, खुद के जेब में तो कुछ होता नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कभी अपने जेब के पैसे से आपने विलासिता सुख सुविधा की कोई चीज अपने पूरे जीवन में खरीदी है? विलासिता का हर एक का अपना अपना मानदंड होता है जी। अगर कोई कहे कि मोदी जी हिमालय चले गए, तो मोदी जी के लिए वो विलासिता हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं हो सकती है। मैं अपने जीवन में बहुत डिसिप्लिन रहा हूं, और जो काम सर्वजन हित होंगे उसी को करना मैंने पसंद किया है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं मूवी देखने गए, उसको विलासिता कहते हैं, तो कभी बचपन में वो भी किया है, फिल्म देखी है जाकर के। ज्यादातर फिल्म मुफ्त में देखता था, क्योंकि हमारे यहाँ मेरा एक क्लासमेट था दशरथ करके, और दशरथ मेरा दोस्त था, उसके पिताजी थिएटर के बाहर चॉकलेट सिंह चना बेचते थे, ऐसी छोटी सी वो खमचा लेके खड़ा रहते थे, और हम लोग उनको लक्ष्मण भाई थिएटर वाला बोलते थे। वो तो वैसे बाहर बेचते थे, वो चना सिंह बेचते थे, तो हम भी कभी जाते थे उनके पास, और वो देखते थे आज थिएटर में अगर 2-3 सीट खाली हैं तो हमें घुसेट देते थे अंदर, तो हम देख के आ जाते थे। अगर कोई इसी को विलासिता कहे तो ये भी विलासिता है। मैंने इतना रूपरेखा इसलिए बनाई क्योंकि मेरा एक सवाल था, और सवाल बड़ा जेन्युइन था, जिसकी चर्चा खासकर राहुल गांधी करते हैं। वो जब कहते हैं कि 30,000 करोड़ आपने इधर के उधर कर दिए, और जब ये आरोप आप पर लगता है जो इस व्यक्ति ने आज तक कभी कमाई के बारे में सोचा ना हो, तो आपको क्या फील होता है? ऐसा है कि मैं आरोप करने वालों को जानता हूं, आरोप करने वालों के इरादे को जानता हूं, और देश भी जानता है। ये सवाल जो मुझे पूछ रहे हैं उसके बजाय ये सवाल उनको पूछने का देश में कोई पत्रकार पैदा होगा तो मैं उसको घर जाकर के सम्मानित करूंगा कि भाई चलो कम से कम तूने सवाल पूछा तो जवाब देने की बात अलग है। अभी तक एक भी जो अपने आप को बड़ा न्यूट्रल और बड़े महान पत्रकार मानते हैं, मुझे अभी एक भी दिखाई नहीं दिया है कि जो उनको पूछे, जो उनको पूछे भाई एक बार खड़े रहो, आपने कहा जरा हिसाब बताओ क्या है, बताओ जरा, उनसे जानकारी लाइए, तो फिर मुझे समझ आएगा वो कितने सीरियस है।